अच्छा, ये आ गया DigiFi का होम पेज। सबसे पहला इश्यू जो था वो था कॉन्टैक्ट अस का, जो कि डिज़ाइनर ने उसी दिन रिजॉल्व कर दिया था। सेकंड इश्यू जो था वो ये था कि जो हमारे लैंडिंग पेजेस हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, इनका जो स्ट्रक्चर था ना वो ठीक नहीं था। यहाँ पे सर्विसेज की जगह आ रहा था पोर्टफोलियो आइटम, जो कि डिज़ाइनर ने उसी दिन ठीक कर दिया था। तीसरा हमारे पास कंटेंट का इशू था, जो कि मैं अभी स्टिल उस पर वर्किंग कर रही हूँ। अब आ जाते हैं फर्दर जो चेंजेस मैं चाहती हूँ कि वेबसाइट में हो जाएं। आप सबसे पहले देखें कि ये जो स्लाइडर है ना, स्लाइडर बहुत बड़ा है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, इतना बड़ा स्लाइडर मैंने नहीं देखा ना। मतलब थोड़ा सा लुक जो है वो ओवर दे रहा है। अगर इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दें तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन इट्स अप टू यू, आप करना चाहें तो ठीक है, ये मेरी तरफ से सजेशन है। अच्छा, सेकंड आप आ जाएं अवर सर्विसेज। मैं चाहती हूँ यहाँ पे जो हमारी चार सर्विसेज हैं उनके लैंडिंग पेजेस हों। लैंडिंग पेजेस बने हुए हैं, ये लैंडिंग पेजेस बने हुए हैं, लेकिन ये नीचे बने हुए हैं, तो हर बंदे को नहीं पता चलता कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो सर्विस का पेज ओपन होगा। समटाइम जो देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, तो मतलब हर बंदे को नहीं समझ आता। हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इतना सिंपल होना चाहिए कि 6 साल के बच्चे को भी आपकी चीज़ समझ आए। मैं आती हूँ हांगकॉन्ग की दो वेबसाइट्स पे, आपको मैं दिखाती हूँ। देखें, सर्विसेज पे आई हूँ, सारी सर्विसेज एक नज़र में मुझे पता चल रहा है कि ये वेबसाइट क्या कर रही है। फिर प्रॉपर लैंडिंग पेजेस तो हमारे भी बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो प्रॉपर देखें लैंडिंग पेज ओपन हो गया। तो मैं भी यही चीज़ अपनी वेबसाइट पे चाह रही हूँ कि यहाँ पे हो। सेकंड वेबसाइट पे दिखा देती हूँ, आप देखें अबाउट अस का भी इन्होंने बनाया हुआ लादा, लेकिन हमें अबाउट अस की तो खैर ज़रूरत नहीं। ये देखें प्रॉपर सर्विसेज शो हो रही हैं। तो मैं ये चीज़ चाह रही हूँ कि ये चीज़ हमारी वेबसाइट में नहीं है, काइंडली इसको इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट आ जाएं अवर टीम पे। आपने चार तस्वीरें लगा दी, कंटेंट की कोई जगह नहीं है, मैं क्या कंटेंट लिखूं और मैं कैसे रैंक करूं? कंटेंट के बगैर मैं रैंक नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कंटेंट ऐड करूं? आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज़, आपके आपने कितना वर्क किया है, वो सारा यहाँ पे मेंशन होना चाहिए ना। आप उसका कंटेंट भी प्रोवाइड करें और डिज़ाइनर को कहें कि यहाँ पे प्रॉपर एक जगह बनाए जहाँ पे मैं कंटेंट ऐड कर सकूँ स्टेप बाय स्टेप, के ये उसामा हैं तो ये क्या हैं, इनके बारे में डिटेल हो, बख्तावर के बारे में और मुस्तफ़ा के बारे में, ठीक है? ये जो आप चार टीम मेंबर्स हैं इनकी मुझे फुल डिटेल चाहिए, और इस पेज को बेहतर करें, इस चीज़ को आप बेशक नीचे ले जाएं, ठीक है? थर्ड आप आ जाएं पोर्टफोलियो पे। अब देखिए, आपने चार इमेजेस लगा दी हैं यहाँ पे, ठीक है? अब एक आम बंदा अगर आ रहा है तो मुझे पता है कि ये वर्क आपका नहीं है। यहाँ पे कहीं आपका लोगो है, मैं कैसे यकीन करूँ कि ये आपने बनाया है? मतलब आपने जितना वर्क किया है, जिस तरह वो जो ग्रुप में आपने मुझे ऐड किया हुआ है वहाँ पे आपका काम आ रहा होता है, तो वो यहाँ पे होना चाहिए, वो प्रॉपर हेडिंग के साथ होना चाहिए। यहाँ पे हम मेंशन करें कि ये हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पोर्टफोलियो है जो आज तक हमने काम किया है। और अगर आप गूगल से या कहीं से भी इमेजेस उठा रहे हैं तो काइंडली यहाँ पे अपना लोगो तो लगा दें, DigiFi HK का लोगो तो लगाएं, ताकि पता चले ये वर्क आपका है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। जो SEO की वेबसाइट से अगर हमने कोई रैंक नहीं भी की तो हम खुद ऐड कर देंगे, लेकिन प्रॉपर मैं ऐड तो करूँ ना। इसी तरह वेब डिज़ाइनिंग का पोर्टफोलियो, मतलब स्टेप बाय स्टेप चारों पोर्टफोलियोज़ होना, तो ये चीज़, ये पेज भी बिल्कुल सही नहीं बना हुआ। अबाउट अस पे आ जाएं। अबाउट अस का कंटेंट तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दिया है, लेकिन डेफिनेटली आप लोग थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताएं कि ये ठीक है या इसमें मज़ीद चेंजेस करनी है। बेशक आप कंटेंट लिख के ना दें, लेकिन एटलीस्ट मुझे वॉइस मैसेज में समझा दें कि मुनज़ा आपने अबाउट अस में ये चीज़ें मेंशन करनी है, तो मैं खुद मेंशन कर दूंगी। अगर यहाँ पे कोई आपका बहुत अच्छा किसी कंपनीज के साथ एक्सपीरियंस है तो मैं वो मेंशन करूँ ना, ठीक है? कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये चीज़ आप थोड़ा सा मुझे बताएं। और यहाँ पे ब्लॉग का पेज नहीं है, वो मेन्यू ब्लॉग का आ जाए। और ब्लॉग में एक और इशू आ रहा था, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ठीक है, मैं पोस्ट में चली गई हूँ ना, तो ये मैंने एक पोस्ट की है बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ठीक है? अच्छा, अब मैंने इमेज तो ये वाला लगाया है बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, लेकिन ये जो मेरा पेज है बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, ये जो मैंने ब्लॉग लिखा है, इस पे इमेज जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इमेज नहीं शो हो रहा, ये कोई और इमेजेस शो हो रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन है कि अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर रही हूँ तो जो फीचर इमेज है वो यहाँ पे शो होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, लेकिन मतलब ये चीज़ आपके अपने ऊपर है। लेकिन जो मैंने बाकी आपको पोर्टफोलियो के बारे में बताया है,
सर्विसेज के बारे में बताया है और टीम के बारे में बताया, काइंडली इन पे मुझे एज सुन एज पॉसिबल करें ताकि मैं इनको रैंक कर सकूं, क्योंकि अभी रैंकिंग काफ़ी डिले हो चुकी है। दूसरी, आपने जो है वो साइट को लाइव कर दिया था और डमी कंटेंट था सारा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आप देखें गूगल सब कुछ क्रॉल कर चुका है। ठीक है, अच्छा प्राइसिंग प्लान्स पे आ जाएं। एक और चीज़, अच्छा प्राइसिंग प्लान्स में आप देखें, एक तो यहाँ पे प्राइसिंग प्लान्स का आपका पेज नहीं है। अच्छा ये जो चीज़ें आप मेंशन कर रहे हैं, आई डोंट नो ये ठीक हैं या नहीं, आपकी जो सर्विसेज हैं मेरे ख्याल से उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन मैं गलत भी हो सकती हूँ। आप काइंडली इसको देखिएगा, मुझे बताइएगा ये आपने डेमो कंटेंट ही सारा अपलोड किया हुआ है या ठीक किया। अब डेमो कंटेंट तो हम नहीं कर सकते, साइट लाइव हुई हुई है, तो काइंडली इसके बारे में मुझे एज सुन एज पॉसिबल आप अपडेट करें। अच्छा अब ये देखें, ये सारा लोरम इप्सम, मतलब गूगल आपका ना लोरम इप्सम इप्सम जो है ना सारा उसने क्रॉल कर लिया। तो खैर क्रॉलिंग अप हो चुकी है, इनको अब रिमूवल में डालना पड़ेगा, ये जो भी करना पड़ेगा वो भी अपडेट करें। ये देखें, ये अब आपका ये 2021 का भी जो है वो क्रॉल कर चुका है। बहरहाल अब ये चीज़ें सारी रिमूव होंगी, सर्च कंसोल में बहुत एरर्स हैं, उनको रिजॉल्व करना है। तो अब काइंडली इस पे और बाकी चीज़ों पे मुझे एज सुन एज अपडेट करें ताकि मैं वर्किंग को थोड़ा फास्ट कर सकूं। थैंक यू।